अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42, अय्यूब का परमेश्वर को उत्तर। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। घोर परीक्षा से अय्यूब की मुक्ति। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बातें नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज सूही बिल्दद और नातामी सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें, जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ भोज किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरी, 6,000 ऊँट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियाँ हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियाँ भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी का नाम यमीमा, दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का नाम किरणहपूक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियाँ कहीं न थीं जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। उसके पिता ने उसको उनके भाइयों के संग सम्मति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया।